सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब चिड़िया वालों के दरवाजे पर पहुंची, तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि टुनटुनी भाग गई है। काफी समय के बाद बारात वापस चली गई। टुनटुनी तूने ये क्या किया? टुनटुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। टुनटुनी जब कालू के घर पहुँची तो कालू को किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही, अब कौन सा मुँह लेकर मैं घर जाऊँ? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंग रलिया मना रही हूँ। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। टुनटुनी निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी माँ की चीख सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ, लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो तुरंत सुंदरवन जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भूरी तुम, टुनटुनी तुम कहाँ जा रही हो और इतनी सजी सवरी और बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस बस भूरी, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? अब पहले बैठ जाओ, ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ मेरी ही बच्ची है गुड़िया, इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसको ऑपरेशन करवाना है। ओह आई एम सॉरी, पर तेरे पति देव कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? टुनटुनी, मेरे पति टुन्नू इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे तुम बताओ कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी को सब कुछ बता दिया। अच्छा तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस कौआ है, उनके कई कारखाने हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओ थैंक्स पूरी, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी न सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आँखों से आंसू गिरने लगे थे। टुनटुनी रोना बंद करो, मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सभी ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है, उन लोगों ने ही पत्र लिखकर मुझे बुलाया है। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों नदी किनारे पर ही सो गयी। तभी अचानक एक तेज तूफान आ गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तेज हवा से एक डाल सीधा भूरी के ऊपर आकर गिरी, उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थी। टुनटुनी मेरी एक मदद कर दो, मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर ही जाना, वो मुझे नहीं पहचानते। ये कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गई थी। टुनटुनी की रोते रोते हिचकियां बन गई थी। अब मैं क्या करूं? भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने गुड़िया को सीने में जोर से भींच लिया और भूरी के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। टुन्नू के पिता कड़कनाथ सेठ ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी भूरी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। टुन्नू की माँ सुंदरी देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लाओ बच्ची को मुझे दे दो। अरे कलावती, भूरी भाभी का सामान टुन्नू की कमरे में रख दो, भाभी को उनका कमरा दिखा दो। टुनटुनी इस नए घर में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सबकी हाँ में हाँ मिलाती रही। कमरे में जाकर वो टुन्नू की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है।
भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना कि जंगल में तेज तूफान और बारिश ने कहर बरसाया है तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया। चल खाना खाकर आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। जी माँ जी। उसको वहाँ रहते हुए एक साल होने को आया। अब समय आ गया है मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं? यही सोचकर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ, अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने खुद ही मुझसे उसके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखा है, वो टुन्नू का दोस्त है। टुनटुनी ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, वो तुरंत अंदर चली गई। बापूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, अब आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती। पर क्या? बोलो। टुनटुनी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भूरी की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है, इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी विधवा बहू बनकर रही, अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। टुनटुनी ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसकी शादी देव कबूतर से हो गई। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। एक बार की बात है, एक जंगल में टिंकू नाम का एक बहुत गरीब किसान चिड़ा रहता था। एक दिन टिंकू अनाज लेने के लिए बाजार गया तो उसको उसका एक पुराना दोस्त हरी तोता मिला। अरे टिंकू भाई, यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ। अरे भाई हरी, कैसे हो, कहाँ हो, बहुत दिन बाद मिले। बेटे की शादी के लिए रिश्ता पक्का करने गया था, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अच्छा, रीना तोती इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई? हाँ, अब तो रीना 16 की हो गई है, शादी का समय आ ही गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला था तो शहर जाकर बात पक्की करके आया हूँ। भाई हरी, क्या बात कर रहे हो, रीना तो अभी नाबालिग है, तुम उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? कोई बात नहीं, 2 साल में बालिग हो जाएगी। अरे रिश्ता पक्का करके आया हूँ और 2 साल बाद रीना को उनके घर भेज दूंगा, इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता। अरे भला तू बता, तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया कैसी है? वो भी तो बड़ी हो गई होगी, कितनी उम्र हो गई उसकी? टुनटुनी तो 18 बरस की हो गई है। अच्छा अच्छा, चिड़िया बालिग हो गई है, तो शादी का क्या सोचा तूने? शादी ना बाबा, टुनटुनी पढ़ने में बहुत होशियार है, उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, इसलिए मैं उसकी शादी अभी नहीं कर रहा। मेरी माने तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तू सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा है, डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? अरे टुनटुनी को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं होगा, अगर कुछ बन भी गई तो तुझे क्या मिलेगा, ठेंगा। टिंकू को हरी की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं शाम को टुनटुनी दुकान जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसको उसकी सहेली पिंकी दिखती है। अरे पिंकी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, आजकल सिलाई कढ़ाई छोड़ दी? बबली आंटी पूछ रही थी। दरअसल मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, इसलिए अभी सिलाई और कढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ, फिर टाइम हो रहा है। टुनटुनी दिन रात मन लगाकर पढ़ती है और एग्जाम की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग टुनटुनी के घर आते हैं और बाहर से चिल्लाने लगते हैं। टिंकू, ओ टिंकू, बाहर निकल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बेटी बड़ी हो गई और तू अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहा? टिंकू बाहर आता है और बोलता है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या शादी करवाऊं, तुम सबको क्या आफत आन पड़ी? मेरा बेटा 10वीं पास है और अगले साल 20 का हो जाएगा, तू कहे तो टुनटुनी की शादी उससे करवा देते हैं। अरे भाई, तुम लोग मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, वो अभी शादी नहीं करेगी। राम राम राम, क्या बात कर रहा है, लड़की को पढ़ा रहा है,
ना तेरे पास पैसे, ना रहने को ठीक सा घर और इतना बड़ा मेडिकल का खर्चा। तेरे को पता भी है तू क्या सपने देख रहा है। परिंदे को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। देखो भाइयों, मुझे सब चीजों का पता है। मैंने बैंक से लोन ले रखा है। मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। तुम सब देखना, वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और तुम सबकी बोलती बंद कर देगी। दिन में सपने देख रहा है तो सपने। यदि एक महीने बाद तेरी बेटी का रिजल्ट आता है और अगर वो पास नहीं हुई तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा शादी के लिए। इतना बोल कर सभी वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर से टुनटुनी सबकी बातें सुन रही होती है। टुनटुनी को बहुत दुख होता है उसके पिता के साथ लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। टुनटुनी दिन रात मेहनत करती है और एग्जाम के लिए खूब पढ़ती है। एग्जाम देने के बाद उस दिन टुनटुनी का रिजल्ट आने वाला होता है। टिंकू भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाता है, टुनटुनी, अरे टुनटुनी, अरे बेटी टुनटुनी किधर हो? क्या हुआ पिताजी? तेरा नाम आ गया बेटी, देख लिस्ट में तेरा नाम आ गया। यही नहीं, तुझे 25 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, पूरे 25 लाख की। अरे अरे, मैं तो फूला नहीं समा रहा। इस पूरे जंगल में इतने पैसे कभी किसी ने देखे नहीं होंगे जितने की तुझे स्कॉलरशिप मिली है। टुनटुनी बहुत खुश होती है और टिंकू भी टुनटुनी की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। टुनटुनी पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। जंगल के पक्षी तब भी टुनटुनी के बारे में बातें बनाते हैं और टिंकू को कोसते रहते हैं। क्यों टिंकू, तूने तो अपनी लड़की बेच दी, शर्म नहीं आती? लड़की है ऊपर से घर में नहीं रहती, पता नहीं शहर में क्या कर रही होगी। टिंकू सभी की बातें सुन लेता है क्योंकि उसे मालूम होता है जब टुनटुनी लौट कर आएगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। टुनटुनी जंगल वापस लौट कर आती है। उसे जंगल वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। टुनटुनी को छोड़ने करीबन 4-5 पक्षी की टीम आई होती है। टुनटुनी एक हवाई मोटर से उतरती है और सभी जंगल वाले उसे घूरते रहते हैं। अपनी बेटी की ठाट वाट देखकर टिंकू का सीना चौड़ा हो जाता है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। टुनटुनी साबित कर देती है अगर मन लगाकर कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है। टुनटुनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से बंटी नाम के कबूतर से की थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि बंटी की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माँ जी सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया माँ जी। बंटी की तेज तूफान आने के कारण मौत हो गई माँ जी। बहू तुझे गलत जानकारी मिली है, कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। बबली अपनी बहू टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी ये बात सच है, बंटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बबली रोने लगती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली से मिलने उसकी बहन बेबो आती है। बहना, बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। टुनटुनी बहू की अभी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, बंटी तो अब आ नहीं सकता। ऐसा कर तू बहू की दूसरी शादी कर दे। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेबो, लेकिन मैं भी क्या करूँ, बहू तो तैयार ही नहीं हो रही है। जब जब मैं उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ रोने लगती है। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तू ही बहू को समझा। बेबो टुनटुनी की कमरे में जाती है। टुनटुनी कैसी है बेटा? अरे मौसी जी आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट काट कर ला रही हूँ मौसी जी। बेटा तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है मौसी जी? देख टुनटुनी, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है, तो मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। अब बंटी तो वापस आ नहीं सकता। मौसी जी आप ऐसी बातें मत कहिए, मैं बंटी को कभी भुला नहीं सकती। मैं दूसरी शादी अब नहीं करूँगी। देख टुनटुनी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती, अब मैं माँ जी के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। बंटी ही उनका एकमात्र सहारा था, वो तो चला गया, अब मैं माँ जी का सहारा बनूंगी। अगर आप लोग चाहती है कि मैं खुश रहूं, तो आप लोग मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दीजिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूं।
ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। मैं अभी बबली से कह देती हूँ, वो तेरा एडमिशन कल ही किसी कॉलेज में करा देगी। अब टुनटुनी कॉलेज जाने लगती है। एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सहेली के भाई से होती है। आप कौन है? आपको किससे काम है? मैं बुलबुल की सहेली टुनटुनी हूँ। मैं नोट्स लेने आई हूँ। बबली तो अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। जब बुलबुल घर पर आती है तब उसका भाई रॉकी उससे कहता है, बुलबुल तुम्हारी सहेली टुनटुनी तुमसे नोट्स लेने आई थी। हाँ भैया, मैंने ही उसे घर पर बुलाया था ताकि तुम उसे देख लो और वो तुम्हें देख ले। बेचारी विधवा है और मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। कहो तुम्हारी क्या राय है? ठीक है बुलबुल, मैं टुनटुनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल अपने भाई का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। आंटी जी, मैं टुनटुनी को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं, इसलिए मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन टुनटुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। बस आंटी जी आप हाँ कह दीजिए, मैं टुनटुनी को मना लूंगी। बुलबुल टुनटुनी को शादी करने के लिए बहुत मनाती है। आखिरकार टुनटुनी शादी करने के लिए मान जाती है। और एक दिन धूमधाम से टुनटुनी और रॉकी की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है।